हेलो गाइस, मेरा नाम है करण माचे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो आज हम आपको ले आए हैं स्वामीनारायण टेम्पल, जो कि पुणे के बहुत ही मशहूर कात्रज में स्थित है। और अगर यहाँ आना चाहते हो तो पुणे रेलवे स्टेशन से आपको 15 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टैक्सी, आप बस से भी आ सकते हो। तो हम फिलहाल रिक्शे में आए, ऑटो रिक्शे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर मंदिर है और पुणे का यहाँ पे सबसे बड़ा स्वामीनारायण टेम्पल है। तो अंदर जाके हम एक्सप्लोर करते हैं। अंदर वीडियोग्राफी तो अलाउड नहीं है और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पार्किंग वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। पीने के लिए फ्री पानी है, यहाँ पे सब आपको फैसिलिटी अवेलेबल से। तो अंदर जाके देखते हैं कैसा रहेगा। तो चलो चलते हैं अभी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर सामने देख सकते हो, मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे प्रमुख प्रार्थना गृह है। और यहाँ पे बाहर आप देख सकते हो, यहाँ पे सब दिया गया है कौन सी जगह कहाँ पे वाटर ड्रिंकिंग सभागृह, मतलब फोर व्हीलर, टू व्हीलर और टॉयलेट सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो। और यहाँ पे सामने मंदिर है। अभी बारिश का मौसम है तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है, देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी वगैरह भी है छोटे बच्चों के लिए, पर फिलहाल अभी ये बंद है। तो चलो अंदर जाके दर्शन लेते और पूरा एक्सप्लोर करते, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हुए, वो आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर देखते हैं शॉर्ट्स वगैरह, कैमरा और या फिर कुछ अलाउड नहीं है, पेट्स वगैरह, आउटसाइड फूड भी अलाउड नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे आप सामने। और बैग बड़ी सी, तो आप यह ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो चलो अब अंदर एंटर करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो अब हम अंदर एंटर करने वाले, और अब हम एंटर कर चुके हैं। और यहाँ से देख सकते हो मंदिर का नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी बारिश का पूरा मौसम बन रहा है, इसी के लिए पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, पर देख सकते हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, देख सकते हो वहाँ पर मंदिर। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से आप जैसे एंटर करते हो यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, आंटी क्या कॉस्ट रहेगा प्रसाद का? 150। तो देख सकते हो आप, ये 150 रुपया लड्डू अलग अलग है। तो चलो पहले दर्शन लेते फिर बाद में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जैसे आप एंटर करते हो यहाँ पे दो छोटे बच्चे खेल रहे हैं। तो देखते हैं, अभी फिलहाल तो सुबह का वक्त है, इसी के लिए ज़्यादा भीड़ नहीं है आज। और आप यहाँ देख सकते हो हर राइड का प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पर, अलग अलग साइड्स का। तो यहाँ पर देख सकते हो दो बच्चे, तीन बच्चे खेल रहे हैं। तो चलो अब फिलहाल अभी बढ़ते बिना देरी के मंदिर के अंदर और दर्शन लेते, फिर मंदिर के बाहर प्रांगण में थोड़ा बहुत टहलते। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मंदिर के अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा। देखो, मंदिर दर्शन करके नीलकंठ अभिषेक मंडप है, बिना मूल्य बूट हाउस चप्पल, आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जूते चप्पल उतार के रख सकते हैं, भेंट वस्तु यानी पुस्तकांचा स्टॉल, गिफ्ट एंड बुक स्टॉल है यहाँ पर, यहाँ पे बुक या आप कुछ खरीदारी कर खरीद सकते हो। और देख सकते हो बहुत ही नीट एंड क्लीन एरिया यहाँ का। तो दोस्तों, अब हम जूते चप्पल उतार के मंदिर के अंदर जाते और दर्शन लेते। अब मंदिर के अंदर दोस्तों फिलहाल तो वीडियोग्राफी अलाउड है ही नहीं, और स्वामीनारायण के बहुत सारे टेंपल में भी कहीं अलाउड तो होता ही नहीं। तो चलो अब दर्शन लेते, फिर मंदिर का गार्डन एक्सप्लोर करते, वहाँ की कलाकृति, वहाँ पर कोरियो काम भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, तो वो देखते हैं। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर देख सकते हो स्वामीनारायण जी के चरण पादुका, और यहाँ पे अब हम दर्शन लेके माथा टेक के और जाते सीधे अब मंदिर के अंदर। अब हम देख सकते हो पहली सीढ़ी चढ़ेंगे थोड़ी देर में।
तो दोस्तों अब हम मंदिर के अंदर एंटर करने वाले हैं और वीडियोग्राफी यहाँ तक ही अलाउड है, इसके अंदर हम नहीं ले जा सकते, तो यहाँ पे हमें फ़िलहाल स्टॉप करना होगा। तो चलो अब हम दर्शन लेते हैं। तो दोस्तों मंदिर से हमने एग्ज़िट ले लिया है और मंदिर के अंदर बहुत ही अच्छा सजाया गया हुआ है। अभी फ़िलहाल बारिश का मौसम है तो मंदिर के अंदर छतरी से सजाया हुआ है अंदर। अब मैंने जो देखा वो आपको बोलता हूँ। और वहाँ पर आप जाओगे तो श्री गणेश जी, हनुमान जी और स्वामीनारायण जी की वहाँ पर प्रतिमा दिखाई देगी आपको। और वहाँ पर अंदर बहुत अच्छी तरह कोरियो काम किया गया हुआ है, मतलब वहाँ पे बहुत ही अच्छी कलाकृति है और वो आपको बाहर भी दिखाई देगी, तो आपको बाहर से मैं पास से दिखा देता हूँ। तो चले वीडियो पे जरूर बने रहेगा। और वहाँ पे अभी गार्डन भी आपको एक्सप्लोर करना बाकी है तो वो भी एक्सप्लोर कर देते। तो चलो चलते अभी नीचे उतरते, आ जाइए। तो दोस्तों अब हम जाने वाले श्री नीलकंठ वर्णीय अभिषेक मंडप, यहाँ पर देख सकते हो जैसे मंदिर में आप दर्शन लेते हो मुख्य, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे आप जल चढ़ा सकते हो। यहाँ पे सेवा राशि 100 रुपये। तो चलो अंदर तक जाते अभी देखते हैं। वीडियोग्राफी यहाँ तक क्या अलाउड है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो दीवार पे, यहाँ पे ये सब मूर्तियाँ है श्री पद्म वल्लभाचार्य और यहाँ पर देख सकते हो जो संत साधु हो चुके श्री महर्षि देवव्यास, देख सकते हो यहाँ पर आप, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की कलाकृति आप देख सकते हो, अर्जुन यहाँ पर, युधिष्ठिर यहाँ पे महाभारत के सभी, भीष्म पितामह यहाँ पर आप देख सकते हो, विदुर जी यहाँ पे उनकी दीवार पे प्रतिमा है सब दोस्तों। यहाँ पर आप आते तो अवश्य देखिएगा यशोदा, देख सकते हो यहाँ पर जैसे दर्शन लेते हो आप एग्जिट करते हो आपको दीवार पे दिखाई देगा। ये है नंद बाबा जो संत हो चुके हैं, वहाँ सबके फोटो से यहाँ पे मूर्तियाँ देवकी, और यहाँ पर वासुदेव जी, और यहाँ पे कृष्ण और राधा यहाँ पर देख सकते हो, बहुत अच्छा यहाँ पे समाप्त होता है ये सब। और अब हम बढ़ते हैं गार्डन की ओर, थोड़ी देर बैठ के विश्राम करते वहाँ पर, देख सकते बहुत अच्छा नज़ारा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे गार्डन है और गार्डन के अंदर जाना मना है क्योंकि ख़राब ना हो जाए इसलिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो बैठ के आप थोड़ी देर ठहर सकते हो, आराम कर सकते हो। और फिलहाल अभी मानसून है, बारिश थोड़ी थोड़ी गिर रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पर ये पूरा पहाड़ पीछे दिखाई दे रहा है और वहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है अभी। और यह कहा जाता है कि 27 एकर्स का ये पूरा एरिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अभी बहुत ठंडी हवाएं भी चल रही है और बहुत ही बड़ा परिसर है तो यहाँ पर बहुत सारी जगह देख सकते हो। यहाँ पर हम फोटो वगैरह खिंचाते हैं अभी, यहाँ पर ज़्यादा करके फ़ोटो वगैरह बहुत लोग खिंचा रहे हैं, हम भी देखते हैं अभी। तो दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स से जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर यूजफुल रहेगी। और आप आना चाहते हो जरूर आएगा, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं, यहाँ पे आ सकते हो, रेलवे स्टेशन से नज़दीकी है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है, 10 से 15 किलोमीटर का दूरी पर है। और यहाँ देख सकते हो बहुत ही अच्छा मंदिर है और यहाँ पर आके आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बैठ के आराम कर सकते हो फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। यहाँ पर बहुत अच्छी जगह दोस्तों, फिर से एक बार कहना चाहूँगा, पुणे में आते हो तो आप यहाँ पे जरूर विजिट कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक।